प्रिय छात्रों, हम आज केशवदास की संवाद योजना का अध्ययन करेंगे। केशवदास की संवाद योजना पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी जो संवाद योजना है बड़ी अनुपम है। अब संवाद योजना पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम हम ये चर्चा करते हैं कि संवाद योजना पर जो प्रश्न आते हैं वो उनकी क्या परिभाषा होती है। जैसे देखो, केशव की संवाद योजना पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए, अथवा यह ऐसे भी आ सकता है, केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, और यदि सहमत है तो 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अथवा ऐसे भी आ सकता है, जैसे रामचंद्रिका काव्य में केशव की संवाद योजना अद्वितीय है, इस कथन के आलोक में रामचंद्रिका के संवाद सौष्ठव का विवेचन कीजिए। अब हम केशवदास की संवाद योजना पर चर्चा करने से पूर्व संवादों के सामान्य अर्थ का परिचय करते हैं। देखो, संवाद का सामान्य अर्थ है वार्तालाप, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हुए वार्तालाप को संवाद की संज्ञा प्रदान की जाती है। यद्यपि सामान्यतः संवाद या कथोपकथन नाटक का प्रमुख तत्व माना जाता है, तथापि जब कोई कवि अपने काव्य में संवादों का प्रयोग करता है तो उससे कविता में नाटकीय गुण का समावेश हो जाने के कारण अतिरिक्त आकर्षण प्रभाव उत्पादकता आ जाती है। शैली में अभिनव अवतार नवीनता आ जाने से काव्य की जो नीरसता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब हम करते हैं संवादों के कार्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत केशवदास के अतिरिक्त इतने सफल संवाद अन्य किसी ने प्रस्तुत नहीं किए, इसी कारण उनके काव्य में वाक् चातुर्य एवं क्लिष्टता का समावेश हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के संवादों की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट लिखा था, क्या लिखा था, देखो हम उस पंक्ति को स्पष्ट करती हूँ मैं। रामचंद्रिका में केशव को संवादों में सबसे अधिक सफलता मिली है, क्यों नहीं, यदि सफलता किसी चीज़ में मिली है तो वह है संवाद। और संवाद के तीन कार्य होते हैं, पहला है एक तो इनके द्वारा कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। यदि हम कथा वस्तु को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो संवाद बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। दूसरा, चरित्र उद्घाटन, किसी पात्र के चरित्र उद्घाटन में संवाद सहायता करते हैं। और जो अंतिम कार्य है वह है कि कथा पढ़ते पढ़ते जब पाठक का मन उबने लगता है तब काव्य में रोचकता उत्पन्न करने के लिए संवादों का सहारा लिया जाता है। अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि केशवदास के संवाद उक्त तीनों कार्यों की पूर्ति करते हैं। रामचंद्रिका को सरस एवं रोचक बनाने में सफल सिद्ध हुए हैं। अब हम केशवदास द्वारा प्रयुक्त संवादों पर चर्चा करते हैं, जिनमें प्रमुख है सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम जानकी संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद, रावण हनुमान संवाद और रावण अंगद संवाद। अन्य भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण संवाद यही माने जाते हैं। अब हम करते हैं केशवदास के संवादों की विशेषताओं का अध्ययन, जिनमें पहली विशेषता है गत्यात्मक संवाद। इस प्रकार के संवाद कथानक का विकास करने वाले एवं उसे गति प्रदान करने वाले होते हैं। ये विभिन्न घटनाओं में परस्पर संबंधित होते हैं तथा इनसे काव्य में सरलता, सहजता और स्वाभाविकता की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि होती है। निम्न पंक्ति में रावण और मरीचि का संवाद है जो पूर्णतः गतिशील है। देखो, रावण क्या कहते हैं, अब तू सायक हो मेरो, हो बहुत गुण मानी हो तेरो, जो हरि सीतई लयावन पै है, वे ब्रह्म शोकन ही मरीजे है। फिर मरीचि क्या कहते हैं, देखो, रण ही मानुष के जन जानो, पूरन चौदह लोक बखानो। तब रावण क्या कहते हैं उनसे, देखो, तू अब मोए सिकावत है सट, मैं बस लोक करे अपनी हट। तो इस संवाद के अंतर्गत उनका जो गत्यात्मक गुण है वह पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ है। गत्यात्मकता अर्थ होता है गतिशील, ठीक है। अब हम
अगली जो विशेषता है उस पर चर्चा करते हैं, चरित्र उद्घाटक संवाद। रामचंद्रिका में ऐसे संवादों का बाहुल्य है जो पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हैं। ऐसे कौन कौन से संवाद है जिनमें है जनक विश्वामित्र संवाद, नामदेव परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद, हनुमान रावण संवाद, सीता रावण संवाद, इस दृष्टि से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अब हम परशुराम और वामदेव संवाद पर चर्चा करते हैं। परशुराम जी क्या कहते हैं, देखो ये कौन को दल है लेखिए। वामदेव कहते हैं ये राम को प्रभु लेखिए। परशुराम कहते हैं काहे कौन राम ने जानिए। वामदेव कहते हैं सर ताड़का जिन मारियो। तो इस प्रकार से इस संवाद के अंतर्गत राम के चरित्र का उद्घाटन हुआ है, इसलिए यह चरित्र उद्घाटक संवाद है। अगली जो विशेषता है पूर्व घटना सूचक संवाद। रामचंद्रिका में ऐसे बहुत से संवाद हैं जिनसे पहले घटित घटनाओं का परिचय मिल जाता है तथा कथानक में वर्णनात्मकता का समावेश होता है। केकई भरत संवाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो मातू कहाँ नृप, भरत जी पूछते हैं मातू कहाँ नृप। केकई कहती है तात गए सुरलोक। भरत जी पूछते क्यों सुत लोक, सुत कौन सु, राम कहाँ अवई वन लक्ष्मण सिये समेत गए। फिर भरत जी पूछे वन का काज, केके कहती है केवल मोसुक। भरत जी कहते हैं या में तो कासुक भयो। तो इस प्रकार से एक के माध्यम से दूसरी घटना की सूचना मिल रही है, इसलिए कैसा संवाद है पूर्व घटना सूचक संवाद। अगला है शिष्टाचार पूर्वक संवाद। इनके जो संवाद है उनमें शिष्टाचार का पूर्ण पालन किया है। केशव ने अपने संवादों में पात्र उचित शिष्टाचार शील मर्यादा आदि का बड़ा ही ध्यान रखा है। केशव कहीं भी किसी भी पात्र के मुख से ऐसे वाक्य नहीं कहलवाते हैं जो शिष्टाचार और सामाजिक मर्यादा के प्रतिकूल हो तथा जिनसे मर्यादा भंग होने की संभावना रहे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान सीता संवाद में मिलता है। यहाँ हनुमान जी सीता से बातें करते हुए सीता जी के लिए, राम के लिए तथा दशरथ लक्ष्मण के लिए आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए शील मर्यादा शिष्टाचार का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं, देखो करी जोरी कहो हो पवन पूत जिन जननी जानी रघुनाथ दूत। फिर सीता क्या कहती है रघुनाथ कौन, हनुमान जी कहते दशरथ नंद। फिर सीता जी क्या कहती है दशरथ कौन, हनुमान जी कहते आज तने चंद। तो इस प्रकार से इनके मध्य जो वार्तालाप हुआ है इसमें शिष्टाचार का उन्होंने पूर्णतः ध्यान रखा है कि सीता तुरंत ही हनुमान जी पर बिलीव नहीं करती है और वह उनसे बहुत सारी शंकाओं का समाधान जब हो जाता है तभी वह उन पर विश्वास करके फिर रघुनाथ का परिचय पूछती है, फिर रघुनाथ को प्रतीक स्वरूप वह अपनी मुद्रिका भी भेंट करती है ताकि उस पर विश्वास करके वह उन्हें मुक्त करवाने के लिए शीघ्र ही आ जाए। अगली जो विशेषता है वह नाटकीयता। केशव के संवादों में नाटकीयता का गुण विद्वान है। नाटकीय संवादों में पात्रों के हाव भाव और अनुभवों को व्यक्त करने की अपूर्व क्षमता होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि पात्र कथन के साथ अभिनय भी कर रहे हो। इस दृष्टि से केशव सफल संवाद लेखक है। रामचंद्रिका में रावण सुर संवाद जो दो समान बलशाली असुरों के बीच अत्यंत नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया गया है, इसका रावण और वाणासुर। वाणासुर क्या कहते हैं, देखो शंभु को दंड है राजपुत्री कितने ही। रावण कहते हैं टूक है तीन के जात लंक हिलई। वाणासुर कहते हैं जुवई जुए जोरी तजो सब सोर सरासन तो ही नहीं सुख होती। रावण क्या कहते हैं मेरे भुज दंड की बड़ी है विडम्बना। वाणासुर क्या कहते हैं
मेरे गुरु को धनुष ये सीता मेरी माँ, दुई भांति ये समंजस वाण चले सुखो पाए। अगली जो विशेषता है वह प्रति उत्पन्न मति संवाद। कौन से है? प्रति उत्पन्न मति संवाद। प्रति उत्पन्न मति का होता है शीघ्र जवाब देना। केशव के संवादों में सर्वत्र प्रति उत्पन्न मति के दर्शन होते हैं, क्योंकि केशव के सभी पात्रों में बात में से बात निकालकर तुरंत उत्तर देने की शक्ति विद्वान है। वे प्राय ऐसा उत्तर देते हैं जिससे प्रश्नकर्ता भी हक्का बक्का सा रह जाता है। उदाहरण के लिए रावण और अंगद का वार्तालाप बहुत ही मनोहारी है। रावण राम को काम कहा, अंगद जी कहते रुपु जीते ही। रावण कहते कौन कहे रुपु जीतो कहाँ। अंगद जी कहते वाली वली। रावण कहते छल सो। अंगद कहते रघु नंदन गर्व हरो। रावण क्या कहते दुज दीन महा। अंगद जी कहते हैं दीन सु क्यों चिति छत्र हरो, बिन प्राणन है यम राज कियो। रावण जी क्या कहते हैं है हम कौन। अंगद बोलते हैं वही विसरो जिन खेलन ही तो ही बांध लियो। अगली विशेषता प्रश्नोत्तर संवाद। प्रश्नोत्तर शैली कथानक के विकास में बहुत सहायक होती है। ऐसे संवाद स्थलों से कथानक में नाटकीयता और प्रभाव उत्पादकता का समावेश हो जाता है। इस प्रकार की संवाद योजना के माध्यम से महाकवि केशव ने अपने काव्य में सरसता प्रदान की है। इस दृष्टि से रावण और हनुमान का संवाद बहुत ही हृदय विदारक है। रे कपि कौन तू, रावण पूछते हैं रे कपि कौन तू। हनुमान जी कहते हैं अच्छ को घातक दूत वली रघुनंदन जी को। रावण जी कहते हैं रघुनंदन कौन। हनुमान कहते हैं त्रिसराखर दूषण भूषण भू को। रावण कहते हैं सागर कैसे तरो। हनुमान कहते हैं जस गोपद। रावण जी फिर पूछते हैं काज कहाँ, तो हनुमान जी कहते सिय चोरन देखन आयो। कूटनीतिक इनके जो संवाद है उनमें कूटनीतिक संवाद भी है। केशव के संवादों में जहाँ नाटकीयता है वहाँ वे राजनीतिक दाव पेच एवं कूटनीति से भी भरे हुए हैं। केशव एक दरबारी कवि थे और राज दरबार में चलने वाले दाव पेचों से भलीभांति परिचित थे। यही कारण है कि केशव के संवादों में कूटनीतिक भेद नीति अथवा राजनीतिक दाव पेच के चित्र अंकित करने में बड़ी सफलता मिली है। भावानुकूल संवाद। रामचंद्रिका में पात्रों के आंतरिक भावों को अभिव्यक्त किया है। इस दृष्टि से परशुराम राम लक्ष्मण संवाद अत्यंत सुंदर है। शिव धनुष के भंग से परशुराम क्रोधित हो उठते हैं और अपने शौर्य का बखान कर उठते हैं। तब लक्ष्मण व्यंग करते हैं कि जिससे उनका क्रोध भी और बढ़ जाता है और वह क्षण उनके संवादों का भावानुकूल बन जाता है। इस प्रकार उनके संवादों में भावानुकूलता भी है। अगली है परिचयात्मक संवाद। काव्य में जहाँ एक पात्र दूसरे पात्र के बारे में जानता है वह अपने बारे में भी कहता है। इस प्रकार इनके जो संवाद है उनमें एक पात्र दूसरे पात्र से अपना परिचय देता है। चाहे रावण अंगद संवाद हो चाहे रावण हनुमान संवाद हो, इन ये सभी परिचयात्मक संवाद की श्रेणी में आते हैं। आध्यात्मिक संवाद। अगली प्रवृत्ति है आध्यात्मिक संवाद। रामचंद्रिका में कतिपय संवाद इस प्रकार के हैं जिनमें कवि ने आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कोई भी दो पात्र परस्पर आध्यात्मिक विषयों के संबंध में, किसके विषय में, आध्यात्मिक विषयों के संबंध में वार्तालाप करते हैं तो उसमें उनकी जो ईश्वर के प्रति जो जिज्ञासा है वह शांत होती है तथा ईश्वर के स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। राम वशिष्ठ इस कोटि का संवाद है जिसमें राम अपने गुरु वशिष्ठ से मुक्त जीवों की परिभाषा पूछते हैं। तदुपरांत गुरु वशिष्ठ उन्हें उनकी विशेषता बतलाकर उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करते हैं। तो यहाँ पर उनका जो संवाद है वह पूर्णतः आध्यात्मिक है और इनके संवाद अगले पात्रानुकूल, संक्षिप्तता, स्वाभाविकता आदि भी इनके पात्रों की विशेषता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशव दास की जो रामचंद्रिका है वह संवाद योजना में बेजोड़ है और इन्होंने जिन संवादों का प्रयोग किया है वैसे संवाद हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए केशव दास को संवाद योजना का कुशल चितेरा कहा जाता है। इस प्रकार वे संवाद योजना में
सिद्धहस्त थे, अद्वितीय थे, अनुपम थे, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आज इतना ही, धन्यवाद। हम अगली वीडियो में केशवदास की अन्य संवाद दो पर चर्चा करने के पश्चात उनकी प्रबंध कौशल, काव्य कला आदि पर चर्चा करेंगे।